अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, PSL 2023 बिल्कुल जोरों शोर से शुरू है। बिल्कुल दो मैच हो चुके हैं। हाँ जी, जमान खान, खुर्रम शहजाद, हाँ दो बंदों ने नहायत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए और अपनी टीमों को मैच पार लगवाया, मगर अभी तक बॉलिंग ने जितवाया, अभी तक दो मैच और आज बैटिंग जितवाएगी ये फरहान नसीर का कहना है कि आज मुल्तान और क्वेटा के मैच के दौरान बैटिंग जितवाएगी। जो भी साइड जो भी होगा चेज होगा। अच्छा, हर हाल में चेज होगा। और दूसरी बात ये कि धानी नहीं खेल रहे, धानी हो गया रूल आउट, धानी रूल आउट हो गए। सेकंड कार्लोस ब्रैथवेट आ गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, मोहम्मद इलियास आ गए मुल्तान के पास। तो हमारे पास अब मोहम्मद इलियास भी आ गए हैं। हाँ जी। अच्छा। ब्रैथवेट का मैं आपको बता दूं, धानी की जगह इलियास आए हैं। हाँ जी, और ब्रैथवेट पता नहीं किसकी जगह आया, मगर ब्रैथवेट भी आ गए हैं। ठीक है। ब्रैथवेट का सीन ये है कि वो बाउरले में आजकल ओवर, ब्रैथवेट की मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मगर वो बॉलिंग में पड़ेगी, क्योंकि वो पावर प्ले में 2-3 आउट करके दे रहा है। उसने पीछे दो लीग्स के लिए और दोनों लीग्स में उसने ये हरकत की है कि पावर प्ले में उसने आउट दिए हैं, तो हमें आज उसकी बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। और बैट्समैन वो ऐसा है, हमें क्या मतलब, तुम मतलब मुल्तान को आज ठीक है, ठीक है, आपको आज है दो विकेट कीपर्स का मुकाबला जी, और आज पता चल जाएगा कि कौन है पाकिस्तान आज का पता। हाँ जी, विकेट कीपर नंबर वन तो रिजवानी है ना, वो आपको पता चल गया अभी। और कितना मरीज चले, अभी टॉप स्कोरर में भी तो आ रहा है, वो तीसरे नंबर पे है। कैडमोर है पहले पे, दूसरे पे मैडी है, तीसरे पे रिजवान है। लेकिन जो इफ्ती मेनिया है ना, मुझे सिर्फ ये बताओ, हाँ, कोयटा के बाद नसीम शाह है, उसने आया है, कर्नल जायद है, कर्नल जायद है, ठीक है, तो रिजवान को आउट कर, नवाज है, आउट कर लेंगे रिजवान, क्यों नहीं करेंगे यार। यार वो यार। इतना को डिफेंसिव होके स्ट्राइक करता है ना, मैं कहता हूँ छोड़ बात है। पहली जो उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, आपके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आपने सबसे पहले ओपनिंग पार्टनरशिप, यार वो हर टीम के लिए है, वो सीजन ही पहले आउट करना है तो नहीं, क्या नहीं, है? पिछले नहीं, देखे, पिछले मैच में भी 100 से ऊपर पार्टनरशिप हो गई, लेकिन एक रन से मैच आ गया, फायदा क्या हुआ? वो तो अब कैप्टनसी का लेवल, इसका नहीं, सरफराज की कैप्टनसी का लेवल नहीं है ये। आप मानो कि आपके ओपनर बॉलें ज्यादा जाया करते हैं, ये आप मानो कि आपके थर्ड क्लास अप्रोच है, थर्ड क्लास अप्रोच नहीं, हमें पता है कि हमारे पास नीचे पोलार्ड है, नीचे डेविड मिलर है। डेविड मिलर आपको पता है अभी उसकी वो वाली सही बारी नहीं आई है। आपके पास जो मर्जी हो नीचे, अगर वो, मैं कोई और बात बताता हूँ, जितना मर्जी प्लेयर हो, अगर वो शुरू में पहले आउट हो जाते हैं ना, तो फिर आप मजीद डरे, क्योंकि मिलर को जितना ज्यादा टाइम मिला, मिलर उतना ज्यादा मारेगा। हाँ, लेकिन यह हर जरूरी नहीं है कि हर मैच में उसको टाइम मिलेगा, ऐसा भी वक्त आएगा कि 35 पे 70 चाहिए होगा और वो टाइम आएगा। तो खवातीन और हजरात, एक छोटे से डिस्टरबेंस के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हमने छोड़ा था इफ्ती मेनिया पे। हाँ जी, के हफीज आ गए और अब इफ्तिखार भी है, और अब बहुत बड़ा सवाल जवाब है कि क्वेटा की क्या प्लेइंग 11 होगी। मुल्तान की तो एक मैच हो गया, हमें पता चल गया, वो तो सीधी है ना प्लेइंग 11। अगर क्वेटा क्या खिलाएगा, धानी बार जाएगा तो ब्रैथवेट, या फिर वो आ जाएगा इलियास है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पेसर ही आएगा, मुल्तान ने लास्ट टाइम 3 ओवरसीज खिलाए थे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। और क्वेटा का पहला मैच है, हां, नसीम, सरफराज, सरफराज, नवाज, ये तो सारे चार प्लेयर है, ठीक है। जेसन रॉय, मेरे ख्याल से ये विल स्मीड है वो भी था, और पांच हो गए। मैं बता दूं, नुवान 6 हो गए, नुवान तुषारा प्रैक्टिस में था, नुवान तुषारा, यस, वो श्रीलंकन मलिंगा, छोटा वाला मलिंगा, पतिराना ना, नुवान तुषारा जो गाय ग्लैडिएटर की तरह से भी खेलता है। अच्छा, ठीक है, वो प्रैक्टिस में था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो देखी, कोई मैच वगैरह आई है, उमैद आसिफ, वो क्वेटा में है, नहीं वो तो उसमें नहीं है, उमैद आसिफ क्वेटा में है। अच्छा। वो भी अभी प्रैक्टिस में था, उस्मान प्रैक्टिस में था, नसीम शाह प्रैक्टिस में था, नवाज था, उसके अलावा उमर अकमल प्रैक्टिस में था। नहीं, बैटिंग वाइज तो क्वेटा सेट लग रही है तकरीबन, हफीज को उन्होंने आते ही वेलकम किया, ठीक है, तो लिहाजा पूरी उनकी क्या कहते हैं है ये सीन के, वो क्या कहते हैं आज अपनी प्लेइंग 11 जो सीन है वो स्ट्रॉन्ग खिलाएंगे। मैंने अभी तक जो मुझे पीएसएल की जो टीमें नजर आई हैं, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी क्वेटा, दोनों मुझे बैलेंस लगी है बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड इस तरह की है कि अगर वो 250 करेगी ना तो वो चेज नहीं करने देगी, 250 स्कोर बहुत होता है, ठीक है, और उनकी बैटिंग इस काबिल है कि उनको डिफेंड करने के लिए 200-220-250 ही चाहिए, 180 तो वो 16 ओवर में डिपेंड करवा देते हैं। हाँ, ये तो है, मगर अभी हम बात करेंगे क्वेटा की। हाँ। तो क्वेटा अपनी प्लेइंग 11 बहुत अच्छी खिलाएगा। हाँ। और आज का मैच भी नेल बैटिंग और थ्रिलिंग होगा, मगर आज चेज होगा, जो भी चेज आएगा चेज पे वो चेज करेगा आज। नहीं यार, ये वैसे एक मैं बात करना चाहूंगा, ये जो एक
सिस्टम सेट हो गया है ना कि टॉस जीतो और पहले बॉलिंग बॉलिंग करो। हाँ ये है, मगर लास्ट टाइम दोनों ने बॉलिंग की, कोई फायदा नहीं मिला। दो रन और कल तो वो चवले ही बहुत ज्यादा बजी है ना मैच के दौरान। हाँ, ये भी कल कैचेस और नो बॉल्स, वो तो मैच आराम से, चेस तो कराची के हाथ में था यार। जर्मी को भी सोचना चाहिए ये कि ये भाईजान अभी नो बॉल है तो क्या होगा, सही टीम वो तो नहीं मौका छोड़ेगी ऐसा। ये नहीं कह रहा कि कराची सही टीम नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह मैंने कल जो मानुसी ने बैटिंग की है इससे ये नजर आता है कि अगर ऊपर वाले चले तो नीचे वाले तो ऑटो चले नहीं। लेकिन इमाद वसीम की पूरी सीजन में एक ही इनिंग होती है हमेशा, नहीं इस बार ज्यादा आएगी क्योंकि इस बार बात हो रहा है ना आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, उसने किसी तरीके से जगह भी तो बनानी है। और नवाज के ऊपर भी आज बड़ा, नवाज के ऊपर भी आज बहुत प्रेशर होगा कि मैं चार पे खेलने के लिए खेलूंगा। अभी मुल्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगा और हम करेंगे चेज। नहीं होता चेज, चेज होगा नहीं। आज आपको, आज आपको डेविड मिलर मार के दिखाएगा कैसे कूदता है, ठीक है। आज आपको आप लोगों से मुलाकात होगी अब मैच के बाद। टॉस हो चुका है, मुल्तान करेगा चेज। एजाज इंशाल्लाह मैच के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी।